राजधानी दिल्ली में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। दिल्ली के बेहद पॉश इलाके जंगपुरा के पास स्थित भोगल में करीब 25 करोड़ के गहनों की चोरी हुई है। 25 सितंबर की देर रात चोरों ने छत काटकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस को अंदेशा है कि इस घटना को रविवार 24 सितंबर को अंजाम दिया गया होगा। उमराव सिंह और महावीर प्रसाद जैन शोरूम में इस घटना को अंजाम दिया गया। शोरूम मालिक के मुताबिक दुकान में हीरे और सोने के करीब 20 से 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी रखी थी। दुकान जिस इलाके में स्थित है वो मार्केट सोमवार को बंद रहता है, इसलिए रविवार 25 सितंबर को शोरूम बंद करने के बाद वो मंगलवार 26 सितंबर को अपने शोरूम पहुंचे। शटर उठाने के बाद उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। हम संडे रात को 8 बजे दुकान बंद करके गए थे और अब मंगलवार की सुबह 10:30 बजे हमने खोली तो सारी दुकान में धूल ही धूल नजर आई। तो हमने कहा ये धूल कहाँ से आ रही है। फिर आगे बढ़े तो वो जो हमारा स्ट्रांग रूम है उसकी दीवार में होल करके हमें ये लग रहा है कि सारा सामान उन्होंने चोरी कर लिया है। कितने का माल रहा होगा? अंदाज 20 से 25 करोड़ रुपए का सामान है। 20 से 25 करोड़ का? हाँ जी। अच्छा, सिर्फ गहने ही या कैश? कैश तो होगा, 5-4 लाख रुपए कैश भी होगा और गहने और है ही सब सामान। कैसे बताया आपने कैसे आए हो? ऊपर छत पे से तोड़ के आए। छत तक जाने का रास्ता था? हाँ, अंदर से दुकान में से ही रास्ता जीना है। हाँ। उससे ही तोड़ के वो आए। अभी तक कुछ सीसीटीवी वगैरह रहा होगा? वो है नहीं, वो सब कटा हुआ है, सब चीजें डैमेज करी हुई है। अच्छा, डीवीआर है? हाँ, पता नहीं, अभी देखा नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। कल दुकान बंद थी? कल दुकान की छुट्टी होती है। हाँ। तो कितनी पुरानी लगोगे दुकान? दुकान 75 साल पुरानी है इस बाजार में। वैसे यहाँ पे 8 साल पुराने, हम यहाँ इस शोरूम अपने 8 साल पहले बनाया था। शोरूम मालिक के मुताबिक इस शोरूम की पूरी ज्वेलरी गायब थी। उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ज्वेलर शॉप है, उमराव सिंह ज्वेलर्स। ये शॉप मंडे को बंद होता है, संडे को इन्होंने 8 बजे रात में इस शॉप को क्लोज किया था। उसके बाद आज मॉर्निंग में 10:30 बजे इनके मालिक ने आके ये शॉप खोला है। तो इनके यहाँ एक सेफ है, उस सेफ में आगे से तो एक मेटलिक गेट है हैवी और तीन तरफ से दीवाल है। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर जो है इनका है, जिसमें इनका मेन ऑपरेशन है। बाकी तीन फ्लोरों पे इनके यहाँ स्टॉक है, रिपेयर वगैरह का काम होता है। तो जो बेसमेंट को रास्ता जाता है उसमें से एक सेंध कटा हुआ है जिसका डायमेंशन लगभग 1 से 1.5 फुट का है। अभी हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम बुला रखी है, जो हमारी एडवांस फॉरेंसिक टीम है। तो हमने अभी सेफ को खोला नहीं है, अभी सेफ को खोलने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना स्टॉक इनका गया है। लेकिन हाँ, ये एक बर्गलरी हुई है, सेंध काट के बर्गलरी हुई है। अभी तक तो सीसीटीवी फुटेजेस है, अब ये देखना होगा कि डीवीआर में रिकॉर्ड हो रहा है या कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में है, लेकिन सीसीटीवी अवेलेबल है। अभी मैं इस समय इससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के बारे में शेयर नहीं कर पाऊंगा। हाँ, बर्गलरी हुई है, ज्वेलरी शॉप में बर्गलरी हुई है और बड़ी बर्गलरी है। चोर शोरूम में घुसे कैसे, ये बड़ा सवाल है। खैर, अब तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक शोरूम की बगल की सीढ़ियों से चोर छत पर पहुंच गए, फिर अंदर घुसने के लिए चोरों ने छत काट दी। चोरी के बाद का इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें छत कटी हुई नजर आ रही है। हालांकि इस घटना का अब तक कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है जिसके आधार पर चोरों की पहचान की जा सके।